हिंदी फिल्मों को दिलाज शायर है, जैसे मशहूर और बेहतरीन गाने देने वाले मशहूर गीतकार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज का जन्मदिन है। उन्होंने 93 इयर्स की उम्र में 19 जुलाई 2018 में इस दुनिया को अलविदा कहा था। नीरज ने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि अगर दुनिया से रुखसती के वक्त आपके गीत और कविताएं लोगों की जुबान और दिल में हो तो यही आपकी सबसे बड़ी पहचान होगी। इसकी ख्वाहिश हर फनकार को होती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरवाली गांव में 4 जनवरी 1925 को जन्मे गोपाल दास नीरज को हिंदी के उन कवियों में शुमार किया जाता है जिन्होंने मंच पर कविता को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। वो पहले शख्स हैं जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो दो बार सम्मानित किया। कवि गोपाल दास को 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने यश भारती पुरस्कार प्रदान किया। गोपाल दास नीरज को विश्व उर्दू पुरस्कार से भी नवाजा गया था। शुरुआत में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का काम किया, उसके बाद सिनेमाघर की एक दुकान पर नौकरी की। लंबी बेकारी के बाद दिल्ली जाकर सफाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी की। वहाँ से नौकरी छूट जाने पर कानपुर के डीएवी कॉलेज में क्लर्की की। नीरज ने कुछ समय के लिए मेरठ कॉलेज यानी कि मेरठ में हिंदी प्रवक्ता के पद पर भी काम किया। कॉलेज प्रशासन द्वारा उन पर कक्षाएं न लेने और हरास करने के आरोप लगाए गए, जिसे गुस्सा होकर नीरज ने स्वयं ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस दौरान ही उन्होंने अलीगढ़ को अपना ठिकाना बनाया और मैरिस रोड जनकपुरी में आवाज बनाकर रहने लगे। कवि सम्मेलनों में बढ़ती नीरज की लोकप्रियता ने फिल्म जगत का ध्यान खींचा। उन्हें फिल्मी गीत लिखने के निमंत्रण मिले जिन्हें उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। फिल्मों में लिखे उनके गीत बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा शामिल है। इसके बाद उन्होंने मुंबई को अपना ठिकाना बनाया और यहीं रहकर फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। उनके गीतों की वजह से बॉलीवुड की कई फिल्में सुपर हिट साबित हुई। कुछ सालों बाद उनका जी मुंबई से ऊब गया। इसके बाद वो सपनों की माया नगरी को अलविदा कह वापस अलीगढ़ आ गए। उनके लिखे गाने ऐसे अमर हुए कि आज भी लोग उनके गानों को गुनगुनाते हुए दिख ही जाते हैं। आइए उनके कुछ लिखे हुए गानों के बारे में जानते हैं। लिखे जो खत तुझे आज मदहोश हुआ जाए, ए भाई जरा देख के चलो, दिल आज शायर है गम आज नगमा है, चौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब जैसे, तमाम गानों को लिखकर वो अमर हो गए।